नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी अभी की तो न्यूज़ नहीं है, ये कल की न्यूज़ है। कल एक नोटिस आया दोबारा से रेलवे की वेबसाइट पे, आप RRB गुवाहाटी अहमदाबाद, अहमदाबाद वाले में नहीं आया, बाकी और सभी RRB वेबसाइट पे आ गया है। नोटिस ये है कि 26,502 पोस्ट जो थी, जिसका अभी एग्जाम है 9 तारीख से, उनका पोस्ट है वो सीधा ही डबल से ज़्यादा कर दिया है। यानी 26,502 जो थी, अब उसको सीधा ही 60,000 कर दिया है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इसका सत्यापन मैं नीचे कर दूंगा, लिंक में जाके आप वहां से चेक कर सकते हो, नोटिस अच्छे से पढ़ सकते हो। नोटिस कोई भी ज़्यादा पेज का नहीं है, एक पेज का नोटिस है, उसमें 12 या 15 लाइन लिखी हुई है। 8वीं या 9वीं लाइन में जाके ये बताया गया कि भाई पोस्टों को प्रोविजनली 60,000 कर दिया गया, और 60,000 करने के बाद आपका रेशियो क्या बनेगा सिलेक्शन का, वो आप आकलन कर लेना। पहले 26,500 थे और लगभग कितने लाख फॉर्म भरे, 47 लाख टेक्नीशियन और ALP के लोगों ने मिलकर फॉर्म को डाला है, और उसमें 26,000 का जो रेशियो बनता था, आप सीधा 60,000 से रेशियो निकालो और फिर समझो कि आप कहाँ पे हो और आपका इस बार होगा कि नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको बहुत सारे लोग मिर्च मसाला लगा के अभी बताएंगे आज पूरे दिन में, तो मैंने आपको सोचा कि सिंपल और सीधी भाषा में सुबह सुबह बता दिया जाए। हो सकता है कि कल भी किसी ने बता दिया होगा, क्योंकि ये कल का ही नोटिस है, कल ही आ गया था ये नोटिस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। आप जिनको पता चल गया वो देख लो, और इस पे इस प्रकार की कोई भी अगर ऐसी कोई गलत न्यूज़ फैलाता है कि और इसमें कुछ ऐड करता है, तो उसको मत मानना। सिंपल यही मानना कि भाई 26,000 से 60,000 प्रोविजनली किया हुआ है। प्रोविजनली का मतलब समझते हैं कि जो उनके ऊपर है कि वो कभी भी उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसका कोई भी हम लोग वो नहीं करेंगे कि भैया घटाए क्यों बढ़ाए क्यों। जैसे पहले हुआ था NTPC में 4,000 पोस्ट घटाया था 18,000 से 14,000, इस बार क्या है सीधा ही डबल से ज़्यादा कर दिया। तो इस पे वैसे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सिलेक्शन इस बार, जैसे और भी लोगों का इस बार इसमें सिलेक्शन होगा, कहाँ 26,000 लोगों को मिलता, आप सीधा 60,000 लोगों को मिलेगा, तो हमारे लिए अच्छा है। इस नोटिस को आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना। बाकी और तो कोई न्यूज़ नहीं, और एक न्यूज़ ये है कि जो लोग अभी पूछ रहे थे कमेंट में कि भाई ये जो सेंटर पास करने का कोई तरीका अभी कुछ लोगों ने बताया, तो ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ आया ही नहीं है, सिर्फ एक हेल्प डेस्क का लिंक आया है। अब लिंक में क्या है, उसने लिंक में ये नहीं बोला कि अब हमको ये बताओ कि भाई हमारा सेंटर दूर है, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या ऐसी होती है, और कोई समस्या उसने बोली थी कि आपको परीक्षा से रिलेटेड कोई समस्या हो तो उसके लिए हेल्प डेस्क का लिंक खोला था। तो उस लिंक में क्या है, कुछ लोगों ने बताने लगे कि भैया अपना सेंटर चेंज कराने के लिए आप उस लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी तक तो मेरे संज्ञान में कोई है ही नहीं कि जिसका सेंटर चेंज हुआ है। हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन NDTV पे जो रवीश कुमार सर आते हैं, उन्होंने भी इसका सत्यापन कल किया था कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, रेलवे के संज्ञान में आ गया, उसने एक नोटिस इस पे भी जारी किया कि हमने सेंटर दूर क्यों दिया है, कितने परसेंट लोगों को सेंटर उनके स्टेट में क्यों दिया है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको हमने कितने परसेंट 200 किलोमीटर के अंदर दिया, ये सारी चीज़ उसने बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि हम सेंटर और डेट को चेंज करेंगे। तो इस पे मत रहो। देखो यार, नौकरी मिल रही है आपको, पेपर चेक कन्याकुमारी में बोले चाहे जम्मू कश्मीर में बोले, जाके एक दिन का टेंशन है, जाके दे आओ, जिंदगी सुधर जाएगी। अब उसके चक्कर में आप कहो कि भाई हमारा सेंटर पास करो, एक तो वैसे ही कम 4 साल 3 साल में वैकेंसी आती है, उसमें भी आप कह रहे हो कि भैया हम एग्जाम देने उतनी दूर नहीं जाएंगे, तो उसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है। एक तो इतने सारे उसके पास फॉर्म आ गए हैं, अब वो किसी तरीके से मैनेज करके एग्जाम कराने की स्थिति में आया है, तो आप लोग उसमें रोड़ा मत डालिए, सीधा जाइए एग्जाम दे के आइए। साधन वो दे ही रहा है, ट्रेन के साधन दे रहा है, कौन सा आपको बस से जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि भैया भीड़ ज़्यादा होगी, तो उसका तो एक ही चारा है, रिजर्वेशन वगैरह करा लो, या फिर रिजर्वेशन में वैसे ही चढ़ जाना, उस टाइम कोई टिकट वगैरह तो उतना मांगेगा नहीं, आपका काम हो जाएगा, एग्ज़ाम देने से मतलब है। और एग्ज़ाम के टाइम में कोई ऐसा TT वगैरह डिस्टर्ब भी नहीं करते कि भैया टिकट नहीं लिया या फिर रिजर्वेशन में चढ़ गए और नहीं जा सकते, सारा काम हो जाएगा। बस आप ये सोचो कि ये जो सेंटर चेंज वगैरह के इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर होगा ऑफिशियली तो मैं बता दूंगा कि भाई लिंक आया है, जाके क्लिक करो और सेंटर चेंज, ऐसा कुछ नहीं आया है, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ ही मान लो। सिर्फ हेल्प डेस्क का एक लिंक आया था, उसमें आप हेल्प मांग सकते हो रिगार्डिंग, जैसे कि आपका कुछ गड़बड़ हो गया है तो उससे रिगार्डिंग, या फिर आपको एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो पूछ सकते हो, उसका लिंक आया था, ना कि इसका लिंक कि आपका सेंटर दूर पड़ गया है, आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे, ऐसा वैसा ही, इसका कोई भी समाधान अभी नहीं निकला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आज की है वो ये है कि
टेक्नीशियन वालों का पोस्ट जो है वो 60,000 कर दिया है। तो आज की जो ये वीडियो, इसमें दो ये बड़ी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जल्दी से अपडेट करूंगा। और अगर आप इन दोनों के अलावा कुछ और मिर्च मजा मसाला लगा के जो लोग बोल देते हैं झूठ मूठ वो सुनते हैं, तो उस पर जरा भी विश्वास मत करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।